किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आज की फिर से एक और नई धमाकेदार वीडियो के साथ में। तो किसान भाइयों, आज हम आए हुए हैं आयशर ट्रैक्टर शोरूम माँ काली ट्रैक्टर सीतापुर इस्माइलपुर में। तो भाइयों, आज की जो वीडियो है उसमें हम कंपैरिजन करने वाले हैं आयशर के दो ट्रैक्टरों का, जो कि काफ़ी ज़्यादा पसंद किए जाते हैं किसान भाइयों के द्वारा, जिनका परफॉर्मेंस भी काफ़ी शानदार है। तो भाइयों, इन दोनों ही ट्रैक्टरों में कीमत वगैरह का क्या डिफरेंस रहेगा और फीचर्स वगैरह अगर देखे जाएँ तो कुछ क्या कुछ अंतर दोनों ही ट्रैक्टरों में देखने को मिलेगा, पूरी जानकारी भाइयों आप लोगों को इस वीडियो में मिलेगी। तो भाइयों, हमारे सामने जो ट्रैक्टर है वो है आयशर 333 और इस साइड में जो दूसरा ट्रैक्टर है वो है आयशर 380। ये है आर लाइन मॉडल और ये है आयशर 333 का 5 स्टार। वैसे अगर देखा जाए तो इन दोनों ही ट्रैक्टरों में आपको आर लाइन 5 स्टार और जो आयशर 380 है इसका सुपर पावर एक मॉडल आप लोगों को देखने को मिलेगा, और इन दोनों ही ट्रैक्टरों में आप लोगों को सुपर प्लस वेरिएंट भी देखने को मिलेगा। तो हमारे सामने जो ट्रैक्टर हैं उनके फीचर्स के बारे में जानकारी देंगे, बाकी आप लोग वीडियो के साथ में बने रहिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो भाइयों, सबसे पहले बात करें अगर लुक्स की, तो लुक में कुछ खास डिफरेंस नहीं है। अगर आप 5 स्टार का वेरिएंट लेते हैं तो 380 और 333 में सेम लुक आपको इस टाइप का देखने को मिलेगा, और आर लाइन अगर लेते हैं तो इस प्रकार का लुक दोनों ही ट्रैक्टरों का है। तो इसके बाद में अगर हम बात करें आयशर के दूसरे 380 मॉडल की, जो कि सुपर प्लस मॉडल आता है, उसमें आप लोगों को साइड शिफ्ट मिलेगा। 333 में भी साइड शिफ्ट आपको ऑप्शनल मिल जाता है, और दूसरा जो सुपर पावर मॉडल है आयशर 380 का, वो ट्रैक्टर भाइयों 45 HP कैटेगरी के साथ में है। 333 में आपको सुपर पावर वेरिएंट नहीं मिलेगा, तो एक वेरिएंट आपको आयशर 380 में ज़्यादा मिलेगा जो कि सुपर पावर 45 HP कैटेगरी वाला। बाकी बात करें अगर आयशर 333 की, तो ये ट्रैक्टर भाइयों आता है 3 सिलेंडर 36 HP के साथ में। और बात करें अगर इंजन की, तो दोनों ही ट्रैक्टरों में सिंपसन का इंजन देखने को मिलता है। देख सकते हैं 380 में भी सिंपसन का इंजन आप लोगों को देखने को मिलेगा। और बात करें अगर 380 की, तो यह ट्रैक्टर भी 3 सिलेंडर 40 HP के साथ में आता है, और जो 333 है यह है 36 HP के साथ में। फ्यूल पंप वगैरह देख सकते हैं बिल्कुल सेम दोनों ही मिलेगी, वाटर सेपरेटर वगैरह सेम दोनों ही ट्रैक्टरों में देखने को मिलेंगे, इसमें भी वाटर सेपरेटर वगैरह सब कुछ देखने को मिलेगा। तो फीचर्स वाइज दोनों ही ट्रैक्टर लगभग सेम है। जो मेन डिफरेंस रहेगा वो पावर का रहेगा और कीमत का रहेगा। अब बात करते हैं इन दोनों ही ट्रैक्टरों के भाइयों टायर साइज़ की। तो भाइयों, जो 333 है इसमें भी पिछले टायर आपको 13/6/28 के मिलेंगे, आगे के टायर 6/16 के, और जो आयशर का 380 है इसमें भी आप लोगों को पिछले टायर 13/6/28 के और अगले टायर 6/16 के मिलेंगे। बाकी आयशर 380 में जो सुपर पावर है उसमें आपको 14/28 के रियर टायर देखने को मिलेंगे। तो भाइयों, अब चलते हैं बैकेंड साइड से आप लोगों को दिखा देते हैं बैकेंड साइड में क्या कुछ डिफरेंस आप लोगों को इन दोनों ही ट्रैक्टरों में देखने को मिलेगा। तो भाइयों, ये देख सकते हैं, पहले दिखाते हैं आप लोगों को 333, तो इसमें भी प्रेशर वाली पाइप देखने को मिलती है लिफ्ट सेंसिंग के लिए 3 पॉइंट, और स्टे बार वगैरह इसमें भी मिलती है, लिफ्ट पट्टी काफ़ी मजबूत दोनों में ही सेम आप लोगों को देखने को मिलेंगी। ये भी 3 सेंसिंग पॉइंट के साथ में है, ये प्रेशर वाली पाइप देखने को मिलती है। तो पीछे से लगभग दोनों ही ट्रैक्टर सेम हैं, जैसे कि रिफ्लेक्टर वगैरह देख सकते हैं, बॉटल होल्डर वगैरह, ये दोनों ही ट्रैक्टर में सेम आपको देखने को मिलेंगे। तो अब बात करते हैं इन दोनों ही ट्रैक्टरों की PTO पावर की, क्योंकि देखते हैं हॉर्स पावर में तो 4 HP का अंतर है इन दोनों ही ट्रैक्टरों में, बाकी PTO पावर में कितना कुछ डिफरेंस है। दोनों ही ट्रैक्टरों की डिस्क्रिप्शन प्लेट आप लोगों को दिखाने की कोशिश करेंगे। तो भाइयों, ये देख सकते हैं 333 है, और बात करें अगर इस ट्रैक्टर की मैक्सिमम PTO पावर की, तो 23.9 किलोवाट की PTO पावर है, लगभग 24 किलोवाट की।
और एचपी में अगर बात करें तो 32.5 एचपी की पीटीओ पावर है, और अगर बात करें एसएफसी की तो 251.5 एसएफसी है इसकी पर किलोवाट के हिसाब से। तो भाइयों इसके बाद में अब आप लोगों को दिखाते हैं 380 की डिस्क्रिप्शन प्लेट। तो भाइयों ये देख सकते हैं 380 की डिस्क्रिप्शन प्लेट, इसमें आपको जो मैक्सिमम पीटीओ पावर मिलती है 25.8 जो कि 35.1 हॉर्स पावर के बराबर है। और बात करें अगर एसएफसी की तो 265 इसकी एसएफसी है आयसर 380 की। भाइयों 35 एचपी की पीटीओ पावर मिलती है आप लोगों को 380 में, और ये 333 जो है इसमें मिलती है 32.5 हॉर्स पावर की पीटीओ पावर। बाकी एसएफसी 333 की है 251 और 380 की है 265। एसएफसी में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है इन दोनों ही ट्रैक्टरों में। भाइयों अब बात कर लें इन दोनों ही ट्रैक्टरों के माइलेज में क्या कुछ डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो भाइयों इन दोनों ही ट्रैक्टरों में आपको लगभग आधा लीटर का डिफरेंस देखने को मिलेगा, हर एक इम्प्लीमेंट पे लगभग लगभग आधा लीटर का डिफरेंस रहेगा इन दोनों ही ट्रैक्टरों में। जो 380 है लगभग आधा लीटर डीजल ज़्यादा खाएगा और 333 आधा लीटर डीजल कम खाएगा, और काम में कोई खास डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि पीटीओ पावर में केवल 2.5 हर्ट्ज़ पावर का अंतर है। तो भाइयों इसके बाद में अगर हम बात करें इन दोनों ट्रैक्टरों के इंजन की कि सिम्पसन के इंजन तो हैं लेकिन सिम्पसन में क्या कुछ डिफरेंस है इन दोनों ही ट्रैक्टरों के इंजन में, तो 333 में आपको मिलता है S324 इंजन और 380 में आप लोगों को मिलता है S325 इंजन। और अगर आप लेते हैं इसका सुपर पावर वेरिएंट जो कि 45 एचपी कैटेगरी में है तो उसमें आपको बिल्कुल ही डिफरेंट इंजन देखने को मिलेगा। तो भाइयों अब बात कर लेते हैं इन दोनों ही ट्रैक्टरों के गियरबॉक्स की, तो दोनों ही ट्रैक्टरों में आपको 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स गियर देखने को मिलेंगे, साइड शिफ्ट आप लोगों को मिल जाएगा, ऑयल मस्ट ब्रेक दोनों ही ट्रैक्टरों में मिलेंगे, और दोनों ही ट्रैक्टर डुअल क्लच और सिंगल क्लच ऑप्शन के साथ में मिलेंगे। आप चाहें तो डुअल क्लच खरीदें चाहें तो सिंगल क्लच खरीदें। तो अब जो बात आती है मेन बात आती है इन दोनों ही ट्रैक्टरों की कीमत में क्या कुछ डिफरेंस रहेगा। तो भाइयों जो हमारे सामने ट्रैक्टर ये खड़े हैं ये हैं सादी स्टेयरिंग वाले वेरिएंट 333 और 380, बाकी पावर स्टेयरिंग वाला भी वेरिएंट आप लोगों को मिलेगा। तो जो कीमत हम बताने वाले हैं वो बताने वाले हैं सादी स्टेयरिंग वाले ट्रैक्टरों की। तो भाइयों अगर हम बात करें आयसर 333 की, तो भाइयों आयसर 333 आपको ये ट्रैक्टर पड़ेगा 5,70,000 रुपये में जो कि कैश के प्राइस हैं, और बात करें अगर आप 380 की तो ये ट्रैक्टर आप लोगों को पड़ेगा सादी स्टेयरिंग में 6,30,000 रुपये के साथ में जो कि कैश प्राइस हैं, और थोड़ा बहुत आप लोग बारगेनिंग भी कर सकते हैं क्योंकि नए ट्रैक्टर के जो प्राइस हैं जो डीलरशिप वाले हैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही बताते हैं, थोड़ा बहुत आप लोग बारगेनिंग ज़रूर करें तो बारगेनिंग का थोड़ा बहुत आप लोगों को फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो भाइयों आशा करता हूँ कि इन दोनों ही ट्रैक्टरों के बारे में आप लोगों को पूरी जानकारी मिल गई होगी आयसर 333 और आयसर 380 के बारे में। तो भाइयों वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद, फिर मिलते हैं किसी एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार। देख सकते हैं क्या शानदार साउंड है आयसर 380 का भाइयों।